गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा तीसरा दिन है ट्रैवल का, राइड का। तो आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, और ये सरप्राइज ट्रिप है। महाबलेश्वर से जाएंगे आगे आगे, अभी स्पॉट मैं आपको बता देता हूँ। अभी आगे हम जा रहे हैं दापोली, आज वहाँ स्टे होगा शायद से, लग रहा है मेरे को। स्टे हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट निकलेंगे अगले लोकेशन पे। और अगला स्पॉट थोड़ा सरप्राइजिंग है आपके लिए, तो वेट कीजिए, मैं बताऊंगा। और सामान सब कुछ आ गया है अभी यहाँ पे दोस्तों, तो सिर्फ ये बैग पीछे बांधेंगे। हेलमेट तो रेडी है तरुण भाई, और एक बाइक लेके आ रहे हैं, सॉरी बैग लेके आ रहे हैं। तो सब कुछ रेडी होने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे और निकलेंगे जल्दी से। और ये हमारे तरुण भाई आ गए, दो शब्द कहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। कुछ नहीं यार, राइड बहुत ही खतरनाक और मज़ेदार होने वाली है आज और कल। जो असली मज़ा है वो आज और कल ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो वो आगे वाली बैग हम यहाँ पीछे बांधेंगे इस बंजी कॉर्ड से। तो तरुण भाई ले लो बैग जल्दी से। सजने और सवरने में टाइम चला गया। आज भी सुबह हम 6 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हर रोज की तरह आपको मालूम है तरुण भाई का मेकअप खत्म ही नहीं होता। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज। यो ब्रो, मेकअप करना जरूरी है। तरुण भाई जल्दी थोड़ा बैग लीजिए, बांधेंगे पीछे। तरुण भाई का अभी भी मेकअप खत्म नहीं हो रहा है, देख लीजिए थोड़ा। जाला ये संपला जो भी कैसा बनेगा रे तू? ये पहले गया वहां पे जहां उसको जाना है। अरे ये भी बैग डाल देना साथ में, ये भी बैग यहाँ पे, ये बैग यहाँ पे आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे उर्मेश धार पवार कैसे बैग वगैरह लगा के पीछे सेट कर रहे हैं हमारे लिए, जो कि हमें थोड़ा बहुत रेस्ट करने में मिल जाएगा, क्योंकि पीछे तो मैं ही बैठ रहा हूँ। आज उर्मेश चलाएगा गाड़ी और मैं पीछे बैठ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लूँगा, और थोड़े बहुत गोपरों से अच्छे अच्छे शॉट्स निकाल के आप सभी लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हो रहा है हमारे पैक्स पैक, निकलने की तैयारी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए अपने उर्मेश धार पवार। तो गाइस इसी मेहनत पे सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपने दोस्त को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और जितना हो सके उतना चैनल का वीडियो लिंक शेयर करो, कमेंट भी करो, ताकि हम लोग और थोड़े वीडियोज़ में कुछ चेंजेस ला सके जैसे आपको चाहिए वैसे। Done. Ready to go. Yo, bro. Chalo. पार्टिंग कर रहे हैं अभी, असला फॉर्म है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर डेंजर ऑफ स्पोर्ट मोटरसाइकिल रेसिंग, गोकर्ट रेसिंग एंटरटेनमेंट।
बुकिंग कर रहे हैं। और ये रहे हमारे दो टिकट। कैमरा अलाउड है ना दोस्तों? 4 लैप्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे और करेंगे गोकार्टिंग। देखेंगे क्या दम है इस गोकार्ट में, मज़े बहुत आ रहे हैं। देखिए ठीक है, टैटू भाईजान। तो हम लोग जाने वाले गोकर्ट राइड के लिए। मेरा तो फर्स्ट टाइम है उर्मेश भाई का कुछ पता नहीं है, शायद पहले भी कर चुके हैं वो लोग, कॉलेज में कुछ बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह करते थे। तो देखिए गाइस, तो चलिए चलते हैं और कैसा होगा देखेंगे हमारा गोकर्ट राइड। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ ऐसे। कॉलेज में रजत भाई ने किया था गोकर्ट, उनका खुद का गोकर्ट रेडी किया था, तब उसका एक राउंड लिया था मैंने, वो भी मज़ेदार था। वो 125cc का डिस्कवर का इंजन था उसको, उसको शायद नॉन गियर गोकार्ट है, ई कार्ट भी रह सकते हैं शायद, मेरे को लग रहा है। देखेंगे क्या क्या है, देख के ही पता चलेगा आगे आगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा गोकार्ट आज का, करेंगे मज़े। चलिए फिर लगाना इसको, ब्रेक है क्या? राइट एक्सीलेटर, लेफ्ट का ब्रेक, राइट एक्सीलेटर। एक्सीलेटर और ब्रेक। ओके ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर दबाइए। राइट एक नंबर। तो दोस्तों गोकार्ट राइड तो हो गई कंप्लीट, अभी घूमेंगे अम्यूजमेंट पार्क, क्योंकि बाकी सब तो बच्चों के खेल है यहाँ पे और हमें वो करने नहीं है। तो घूमेंगे फिरेंगे, पंचगनी जो आया है मज़े करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी मजे कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए अगर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये है अम्यूजमेंट पार्क, सब छोटे बच्चों के खेल है यहाँ पे। तरुण चलाएगा क्या? है नहीं यार, देख मेरा साइज का नहीं है। देख चलाएगा क्या? ये रिकॉर्ड करके चलो। बस दोस्तों इतना ही है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ये डैशिंग कार्स का सेंटर है, जो लोग रोड पे अफोर्ड नहीं कर सकते कार डैश करना वो
वो यहाँ करते हैं। और ये देखो कोई आ गया हमें सामने। ए ये गड़ा चलो कर नहीं तो मास्क निकालना, यहाँ थोड़ा पे थोड़ा सा डेंजर लग रहा है हमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे और भीड़ में मास्क पहन के रखना है क्योंकि आपको मालूम है कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक थोड़ी रिस्क थोड़ा टेंशन रहेगा ही, तो संभाल के रहिए दोस्तों। कहीं पे भी जाओ घूमो लेकिन सेफ्टी मेजर्स ध्यान से फॉलो करो। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर पहना, मास्क ज़रूर पहनिए। तरुण कैसे कैसे का बम्प है यहाँ पे, वो बम में बैठ के बम करेंगे हम। नहीं बस तुम वीडियो कर। तरुण जा रहा है थ्री इडियट्स के बम्प पे बैठने के लिए। देखिए All is well. All is well. दोस्तों निकलते हैं आगे, अभी देखेंगे क्या क्या देखने मिलता है और कुछ। महाबलेश्वर अभी पहुँचे नहीं हम, जल्दी पहुँचेंगे, अभी पंचगिनी में ही है। चलिए फिर मिलते हैं महाबलेश्वर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे जाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। आज संडे है, सब लोग घूमने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो चुका है यहाँ पे महाबलेश्वर में। दोस्तों फाइनली पहुंच गए महाबलेश्वर। गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, अभी नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे लगा दिए गाड़ी अभी पार्किंग। पुलिस कब उठा के लेके जाएगा मालूम नहीं अभी गाड़ी। और भूख बहुत ही लगी है, खाएंगे कुछ तो, थोड़ा बहुत घूमेंगे और निकलेंगे आगे। दोस्तों महाबलेश्वर में आ तो गए हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। मास्क पहनना है हमें, मास्क पहनेंगे पहले। 2 किलो हमारे लिए। खाना खाए तो मिल गया कुछ खाने के लिए। होटल रोहित, रोहित भाई आपकी कृपा। दोस्तों गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह मिल गई है और खाने के लिए भी होटल मिल गया है, जाएंगे खाएंगे। अरुण भाई आप भी कुछ बोलिए। बहुत जोर से भूख लगी है तो पहले खाएंगे, बाद में आपको सब कुछ बताएंगे। चलो फिर खाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, मतलब ब्रेकफास्ट करके आए थे लेकिन भूख बहुत लगी हो गया, तो खाएंगे भला। दोस्तों ऑर्डर दे दिया है अभी खाने का, खाना कब आएगा ऐसा लग रहा है, बहुत भूख लगी है। और ऑर्डर कर दिया है तरुण ने चिकन थाली, सॉरी एग थाली और माउंटेन ड्यू।
और मैंने चिकन थाली स्पेशल अभी खाई आपको ठीक है दोस्तों, ऑर्डर दे दिया है अभी खाने का। खाना कब आएगा ऐसा लग रहा है, बहुत भूख लगी है। और कर दिया है तरुण ने चिकन थाली सॉरी एग थाली और माउंटेन ड्यू, और मैंने चिकन थाली स्पेशल। दोस्तों यहाँ बैठ के हमें आधा घंटा से ज़्यादा हो गया अभी, लेकिन अभी प्लेट भी नहीं लगी, भूख इतनी लगी है क्या बताऊँ मैं। अभी टेबल खा जाओ, लेकिन क्या करो टेबल क्या जिसमें होता है। आधे घंटे में ये सिर्फ कंस्टेंट छोड़ा है और कुछ नहीं। इसमें भी एक कार्ड हो गया, हमने मंगाया था दो प्लेट, एक था एग थाली और एक था चिकन थाली, तो आ गए सब चिकन थाली। और वो बोल रहे कि हम लोगों ने एग थाली नहीं किया है, तो लोगों ने जुगाड़ कर दिया है, तो जुगाड़ से हम चला रहे हैं। हर एक चिकन थाली में एक एग आता है, तो वही एग मैंने ले लिया है और ऐसा करके हम जुगाड़ कर रहे हैं अभी। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं खाने के बाद। दोस्तों खाना खा के हो गया अभी, जस्ट बाहर आया। खाना बहुत ही अच्छा था, लेट आया खाना, लेट आया लेकिन अच्छा आया। अभी हम जा रहे हैं मैप्रो के स्टोर, लेंगे कुछ चॉकलेट्स और बढ़ेंगे आगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे सातारा, तब वाई के स्टोर गए थे, वहाँ से हमने पान वाला चॉकलेट लिया था, बहुत ही अच्छा था, तो वही लेंगे अभी पान वाला चॉकलेट और जाएंगे। डार्क एलमंड सिल्क चॉकलेट, डार्क कैशमीरी चॉकलेट सिंगल, फाइन मिल्क कोटिंग है, एलमंड सिल्क कैशमीरी चॉकलेट। खाएंगे ना पहले से गाड़ी में जगह नहीं। ठीक है दे, तीन हजार जैम में दिखाए, जैम शरबत फजर बस बिल कर रहे हैं अर्जुन कहीं नहीं, बस शरबत वगैरह नको जाम बैग हो गया करो की जी कैरी बैग ₹8 चार वो पान हो गया था दुकान में आने वाले थे। तीन पान वाले चॉकलेट्स ले लिए हमने अभी, अभी लेंगे कुछ स्ट्रॉबेरीज और डायरेक्ट दापोली। चलिए ये काला कट्टा तो मिल गए स्ट्रॉबेरीज दोस्तों, ये रहे। तो कैसे ले स्ट्रॉबेरी संभलना 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो क्या, 1 किलो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी मैंने 1 kg ले लिया अभी। हेलो जो उर्मेश दादा गाजर घेता था, दादा गाजर खाना रे, ये तू ना बा खाओ जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग किया है, गाजर स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी और लाल चॉकलेट्स और लाल मूली मूली लाल मूली। तो फाइनली शॉपिंग हो चुकी है, गाजर ले लिए, मूली ले ली, चॉकलेट ले लिए और खाना भी हो गया पेट भर के। अभी निकलने का है डायरेक्ट दापोली, तो रुकने का नहीं, बीच में करीब 2 घंटे लगेंगे दापोली निकलने के लिए। और एक बात, स्ट्रॉबेरीज बहुत ही फ्रेश है और मन नहीं रुक रहा, मेरे को ब्लैकबेरीज भी चाहिए थी लेकिन ब्लैकबेरीज नहीं है मार्केट में अभी, तो भी कहाँ मिली मेरे को, ले लेंगे। चलिए फिर चलते हैं।
इधर इधर यू का जाओ साढ़े चांगला अभ्यास करा गाड़ी चला चला के हालत बेकार हो गई है मेरी भी और इसकी भी। ये तो पीछे बैठ के मज़े कर रहा है तो भी कमर से नीचे का पूरा भाग पूरा पार्ट कमर से नीचे का पूरा पेन हो रहा है। राइड का डिस्टेंस कम था आज लेकिन रोड बहुत ही ख़राब था और पूरा घाट सेक्शन। अभी भी हमें 52 किलोमीटर जाना है। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक इस जंगल में। देखिए मज़ेदार है व्यू अच्छा है और ये रही हमारी एंटॉर्क। तो फाइनली पहुंच गए दापोली और अराउंड 188 किलोमीटर की राइड हुई है आज पहुंच गए और यहाँ पे हम आए मयूरेश के पास। देखिए मयूरेश कैसे वड़ा पाव खा रहा है और ये भाई साहब भी आए आज। तरुण वड़ा पाव में बिजी है बहुत भूख लगी है। तो गाइस आजकल व्लॉग यही एंड होता है। मिलेंगे कल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बाय बाय।